एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। तो आज देखिए, आप सभी लोगों को दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना सिखाएंगे। जो सरल सवाल हैं और कठिन सवाल उन्हें भी आपको बताया जाएगा, और साथ ही साथ आपको भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाए वो भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आप आसानी से सब कुछ सीख सकें। पहला सवाल है, देखिए 0.05 लिखा हुआ है, इसको आपको क्या दशमलव में है भिन्न में बदलना है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, उसे आप सीखिएगा। यहाँ पर देखिए 0.05 है, तो यहाँ पर आपको 5 लिख लेना है, क्या इस तरह से 5 लिख लेना है। अब देखिए ये जो दशमलव है कितनी संख्या के बाद लगा है, तो एक अंक दो अंक के बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ पर बटे का चिन्ह लगाकर जब दो अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पर 2 जीरो लिख कर क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे। अब ये क्या बन गया, 5/100 बन गया है। अब इसे आप काट के सरल कर सकते हैं, 5 × 1 = 5 हो जाएगा, 5 विषम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 1/20 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप 0.05 को क्या भिन्न में बदलोगे तो 1/20 आएगा। दूसरा सवाल है, देखिए जिन लोगों को पहला सवाल न समझ में आए तो दूसरा ध्यान से सीखिएगा। 2.5 लिखा हुआ है, इसको आपको भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। 2.5 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप 2 और 5 को साथ में लिख लीजिए। अब ये बन गया है कितना, 25 बन गया। अब आप बटे का चिन्ह लगाइएगा। अब देखना है आपको कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव जो है 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा है, तो जब 1 अंक के बाद लगा है तो 1 जीरो लिखेंगे, क्या 1 जीरो लिखकर 1 लिख लेंगे। यहाँ पर दशमलव 2 अंक के बाद लगा था, तो 2 जीरो लिखकर हम क्या 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पर 1 अंक के बाद लगा था, तो 1 जीरो लिख लिए, तो बन गया 10, 25/10। अब आप इसे काट के सरल कर सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 × 25 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब आप 2.5 को भिन्न में बदलोगे तो 5/2 होगा। तीसरा सवाल है, देखिए 1.35 लिखा हुआ है, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो 1.35 लिखा हुआ, तो पहले इसको आप साथ में लिख लीजिएगा, 1, 3, 5, ये बन गया 135। बटे का चिन्ह लाइएगा। दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, तो 1 अंक 2 अंक के बाद लगा है, तो 2 जीरो लिखेंगे, इसके बाद 1 लिख लेंगे। अब ये बन गया 135, नीचे क्या है, 100 है, तो 5 से काट पीट कर सरल कर सकते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, 13 में से आप 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये बन जाएगा 35, 5 7 कितना हो जाएगा, 35 होगा, 5 विषम कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। अब ये बन गया 27/20, तो 27/20 इसका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। अब आपको दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना तो आ गया होगा, अब मैं आपको भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाए वो आपको सिखाता हूँ। ये आपका देखिए अगला सवाल है, भिन्न को आपको दशमलव में बदलना है, तो 3/10 है। मैं आपको इसमें ऐसे भी प्रश्न रखा हूँ जिनके हर जैसे 10 हैं 100 हैं, और जिनके हर 10 और 100 ना रहें तो उनको कैसे बदला जाए वो भी आपको बताऊँगा। यहाँ पर 3/10 है, तो इसको आपको क्या दशमलव में बदलना है, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखेंगे अगर नीचे क्या 0 है, जैसे 10 है 100 है 1000 है, तो ऐसे बहुत ही आसानी से दशमलव में बदले जा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर 1 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है, तो 3 के बाद हम क्या 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर 1 जीरो है, तो 3 के बाद 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 0.3 बन जाएगा। तो इसे हम बराबर का चिन्ह लगाकर, दशमलव के बाईं साइड कुछ भी नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं, तो 0.3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 25/100 लिखा हुआ है, तो नीचे क्या है, 1, 2 जीरो है, तो दशमलव जो है 2 अंक के बाद लगेगा, तो 1 अंक 2 अंक यानी 2 के बाद लगेगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 0.25। दशमलव के बाईं साइड कुछ भी नहीं है तो आप इसे 0.25 लिख सकते हो, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा सवाल है, देखिए 2/5 है, यहाँ पर बटे के नीचे यहाँ पर 10, 100 ये सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2/5 लिखा हुआ है। तो ऐसा सवाल जब भी आपको दिखाई दें तो आपको क्या 2 में 5 से भाग देना है। 2 में आप 5 से भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाकर 0 उतारेंगे, कितना बन जाएगा आपका, 20 बन जाएगा। तो जब 20 में भाग देंगे 5 से, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 0.4 आया है। दशमलव के बाईं साइड कुछ भी नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं, 0.4 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो मैंने आपको हर एक संभव तरीके से बताने का प्रयास किया, आपको समझ में जरूर आया होगा। तो इस प्रकार से तमाम प्रश्न आपके बुक में दिए होंगे, आप उन पर जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतनी पकड़ आपकी मजबूत बनेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।